देखिए सबसे पहले मैं कुछ स्टडी बता आप जो आप फॉलो कर रहा हूँ वो सबसे एप स्टडी मुझसे बेटर होने में पॉइंट ऑफ है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अभी आपका जैसे स्टूडेंट है जो नए हैं या एक ही दो सब्जेक्ट हुए हैं, मैं एक बात सबसे बताऊँ कि आप एक बात हमेशा रखना, क्लास सब्जेक्ट को अपने साथ लेके चलो प्लस लास्ट सब्जेक्ट को भी आप साथ लेके चलो। किसी भी सबजेक्ट को मैं सही बार बोल चुका हूँ सबसे अच्छा टाइम तैयार करने का वही होता है जब वो क्लास में चल रहा होता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें घूमती रहती जो मैं बताता हूँ। अब कुछ जब हम बात उठाओगे ना तो मैं समझ नहीं आएगा कि एयर का प्रेशर और पार्शियल प्रेशर कैसे जोड़ के बराबर दे दिया मैंने एटमोसफियर और कैसे वो फॉर्मूला ड्राइव होता है, तो फिर खुद से बहुत मेहनत की जरूरत होती है। तो जो लोग अपनी नेचर स्टेट है वो मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान से याद रखो कि इस बात को मत होना क्लास में जो चल रहा है उसे तो हम तैयार करेंगे ही करेंगे, प्लस हम पुराने वाले को भी भूल लें हर हाल में इतवार ठान लो, क्योंकि इससे दो फायदे हैं। एक तो जब तुम नवंबर दिसंबर की स्टेज पे पहुंचोगे ना तो तुम्हें खुद रिलाइज होगा कम से कम 7-8 सब्जेक्ट एंड हो चुके होंगे तुम्हारे तैयार 4-5 महीने, और तब जब 7-8 एंड हो चुके होते हैं ना तो दिमाग में ये बात आती है कि यार 7-8 तो खत्म हो गए, टाइम कब भी होगा ना लास्ट एक महीने तुम 4 सब्जेक्ट निपटाने की तरफ रखते हो, क्योंकि अगर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है तो चीजें अच्छे से हो जाती है। लेकिन अगर तुमने ये ना किया ना लास्ट में सोचा कि हम इकट्ठा करेंगे तो मुझे बहुत बढ़िया ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं अपने बिल्कुल पर्सनल व्यू से आपको ये बात कह रहा हूँ कि लास्ट में आप हिम्मत हार जाते हो और मुझे बस एक ही बात निकलते कि आप ना हो पाए। इस बात को सबसे ज्यादा आप एक्सपीरियंस लीजिए तो मैंने आपको ये बात बताई कि सबसे ज्यादा बेहतर टाइम किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने का वही है जब वो क्लास में करता है, उससे अच्छा टाइम कभी मिलता नहीं है पूरी लाइफ में। दूसरा पॉइंट ये तो आपको लेके चल रहे, दूसरा देखो कई लोगों को तैयारी को लेकर ये डाउट है कि हम क्या क्या करें। देखो क्लास नोट कर लो, वर्क बुक लगा लो, ये तो चलो ठीक है। उसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बोल रहा हूँ इस पर भी आपको दूसरा बहुत बड़ा ध्यान देना है, आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन लगा दें हर एक सब्जेक्ट के। वो मैं क्यों कह रहा हूँ पढ़ो, क्योंकि क्लास में टाइम की पढ़ाई जाए थोड़ी पूरी करें कवर हो ही नहीं पाई, कैसे मैंने कर लो क्लास में पूरी थ्योरी तो पढ़ाया जाए ही नहीं सकता। और ईयर में थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जितने सब्जेक्ट पढ़ोगे आप जब थ्योरी में जाएंगे तो थ्योरी का लेवल उतना गहराई तक हम पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उतना टाइम नहीं होता। तुम्हें ओल्ड ईयर क्वेश्चन करने कम से कम 30 साल के या 25 साल के 30 साल का है आपके पास, उससे दो बेनिफिट होंगे। पहला तो ये कि रिपीट होते हैं कम से कम हर साल 30 से 25 क्वेश्चन, हर बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में रिपीट होता है तो ये तो बेनिफिट मिलेगा ही हमको, याद हो जाएंगे क्योंकि आप लगा लो तो सीरियसली हमारे टाइम बच जाएगा, दिमाग से जाना पड़ेगा। दूसरा जो बेनिफिट तुम्हें मिलता है तुम बनाओ शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट देखो क्या कहते हैं, कई लोगों को बड़ा गलत फहमी होती है शॉर्ट नोट बनाने में, वो क्लास नोट पढ़ते हैं उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखता है या दिखता है उसे बना देते हैं क्या शॉर्ट नोट, ये बकवास नहीं होता है शॉर्ट नोट। क्लास नोट तो पूरा रटना ही रटना है, उसमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं। शॉर्ट नोट क्या होगा मैं बता दूंगा, तुमने ओल्ड ईयर क्वेश्चन करे और तुम्हें ऐसा लगता है ये टॉपिक क्लास में कवर नहीं हुआ या कम कवर हुआ या अच्छे से कवर नहीं हुआ या क्वेश्चन ज्यादा पूछे आ रहे हैं सर ने बताया कम, तुम उस टॉपिक को बुक से पढ़ोगे और उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कवर करोगे केवल जो तुमने क्वेश्चन ढूंढा, वो पूरा टॉपिक ही तुम्हें पूरा थ्योरेटिकली क्या करना है कवर करना है। जैसे स्टीम ट्रैप आया, स्टीम ट्रैप क्या है बॉयलर का, तो तुम पूरा लिखोगे क्या स्टीम जैसे ब्लो डाउन, अब ब्लो डाउन मैंने भी बताया सॉलिड सेंटेंस निकाल देते हैं, अब तुम्हें लगता है ब्लो डाउन को बार बार पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि और क्या क्या करते हैं, तो ज्यादा पूछता नहीं है तो तुम उस टॉपिक को पूरा क्या करोगे कवर करोगे, जब आप समझ पाए। तो शॉर्ट नोट का मतलब वो बकवास नहीं कि क्लास नोट जो इंपॉर्टेंट है उसे लिखिए, बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं, सब जीरो है इसका मतलब, ये फायदा देगा अगर तुम इसको कवर कर लिए तो तुम और स्टूडेंट से कई ज्यादा बेटर काम कर रहे हो, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में चाहे की थ्योरी का वगैरह पूरी हो ही पाती तो तुम ज्यादा सुंदर से जाओ, क्योंकि लोग ये बात करते ही कहती बात दूसरी बात क्लियर हुई।
तीसरा देखो भाई, हाँ ये 100 करोड़ का आदेश हम एक बार जरूर ध्यान दे देना, जो से हट चुका है उसको मत बना लेना परसों, बना दो दिन चेक करके बनाने पड़े तो परसों आना एक भी नंबर का नहीं। तो जो सिलेबस है उसका तो नोट बनाना है भाई, अन्य ऐसी सर मत बर्बाद कर देना है। तो मैं तो कहूँगा एक बार सिलेबस रख लिया करो यूपीएससी का सामने, अगर चाहो तो मेरी वेबसाइट में भी आप देखो वर्कबुक में है, जैसे डोजर वगैरह क्वेश्चन कई लोग लगाते पूछ रहे थे मैंने डाटा, मैं तो भैया जो चीज की तैयारी कर रहे हो उसको मैंने ना पढ़ाया तो तुम क्वेश्चन ना लगा पाओ। तो आपकी चीज किधर मत आने वाली है, शॉर्ट कोर्स में गलत चीजों के नोट मत बना देना, उन टॉपिक के नोट बनाना जो दो सिलेबस में मेंशन है और वो एलएल में ऑल डिटेल मिलेगा, जैसे दो चैप्टर को हटा देना पूरी तरह से, बात समझ गया ठीक है। उसके बाद एक तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, आप टेस्ट को इग्नोर नहीं करना। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो उस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता जो टेस्ट ना दे, मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जो मतलब टेस्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसकी गलतियां होगी टेस्ट में, वो क्या क्या हो जाता है टेस्ट में, तो सबसे बड़ी बात एक तो क्वेश्चन कवर होते हैं, एक्स्ट्रा कवर होता है सिलेबस, दूसरा आपको ये पता चलता है कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा थर्मो तैयार है, क्योंकि आप कॉलेज में पास होना है अब तुम्हें सेलेक्ट होना है, और जब सिलेक्शन की बात आती है ना तो चीजें रिलेटिव हो जाती है कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो किसी का नहीं होगा, तो तुम्हारा तैयार है हो सकता है तुमसे अच्छा किसी हो सकती है, अब ये चीजें मैटर करती है। और वो चीज तुम्हें बताने वाला और कुछ नहीं, केवल और केवल क्या है कैसे तुम्हें कैसे पता किसका कितना तैयार है, कंपेयर है यार तुम्हें रटना ढूंढना है इसलिए तुमने याद कर ली और हम पास हो गए। तीसरा देखो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने का तुम्हारे पास कोई और साधन नहीं है भैया, केवल क्या है इतने सारे टेस्ट दो मैं बता रहा हूं भाई, इतने टेस्ट दो और जब सीरियस दो ऐसा लगे जैसे मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट का टेस्ट दे रहा हूं, क्योंकि जब तुम गेट का टेस्ट दो तो हमें ऐसा लगे कि हम गेट का टेस्ट नहीं मिलीजी का टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में फोबिया रहता है एग्जाम का, बहुत बड़ा फोबिया वो निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम डर के देखते हैं टिक नहीं करोगे वहां, और वो डर दूर नहीं होता बिना दिए, ये मत सोचो कि तुम कितने बाहर हो, जब पूरे साल की मेहनत तुम्हारे 3 घंटे में आसपास घूमने लगती है तो सब कटाए जाता है, अंत में 3 घंटे में आके बात जब चली जाती है तो लोगों के हाथ कंपने लगता है, तो यही होता है अगर तुम कैच नहीं होगे, तो मैं कह रहा हूँ इतना सीरियसली टेस्ट दो कि जब हम ईयर या गेट का टेस्ट दें तो हमें ऐसा भी फील हो कि हम टेस्ट दे रहे हैं इसका मेरी, हमें डर ना हो कोई, हम अपनी पूरी नॉलेज को उसमें कम से कम डाल दो, एफर्ट तो पूरा देते हैं। और एक बात तो हमेशा याद रखना भैया, जो लोग टेस्ट देंगे सीरियसली देंगे तो टेस्ट में गलती करेंगे तो उनको सीखेंगे, जो लोग टेस्ट से सीख रहेंगे तो वो तो टेस्ट से सीख जाएंगे, लेकिन जो टेस्ट से नहीं सीखते ना वो सीधे ईयर या गेट से सीखते हैं, और टीएस या गेट में तुम्हें दोबारा मौका अभी शादी मिलता है। तो टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर कभी मत करना कि हमारी तैयारी नहीं आती, लेकिन तैयारी क्यों नहीं है यार, हम पूरी एफर्ट के साथ बिल्कुल वैसे दो जैसे हम ईयर का टेस्ट दे रहे हैं, ये तीन चीजों का आप जरूर ध्यान देना। एक और बात मैं आपसे बोलूंगा कि अननेसेसरी जिन सब्जेक्ट का वेटेज कम है इंटरेस्ट के लिए पढ़ाई मत करना, हमें अच्छा लगे सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है, ये सब्जेक्ट ऐसा होता है कि हमें बहुत मजा आता है और उसका वेटेज होता है बहुत कम, हमें उससे मतलब नहीं भैया, हमें नॉलेज लेनी चाहिए, हमारा जो प्राइमरी एम होना चाहिए, हमें जो पढ़ाई करनी है वो बस एक ही रीजन से करनी है कि हमें बस एक सिलेक्शन लेना है और एक जॉब लेनी है, जिस दिन जॉब लग जाएगी उससे हम ये पढ़ाई के साथ ऐसा वेट कर रखेंगे, हम कभी उठा भी नहीं लेंगे, ये सोच के साथ हमें नॉलेज जिसको नॉलेज देना है वो एक्सपेक्ट में नहीं है, प्राइमरी जो एम होना चाहिए स्टडी का वो दूसरा पॉइंट बस उस पर फोकस होना चाहिए कि बस हमें सेलेक्ट होना है। अब मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आपको ज्यादा सीरियसली पढ़ाई करनी है तो अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही आप बार बार कोशिश करें तो उस पर टाइम बस में टाइम वेस्ट मत करो, उसको रट लो, समझेंगे आप अगली साल समझेंगे वहां जॉब में मतलब नहीं हमको, किसी भी तरीके से हमारा होना चाहिए क्या सिलेक्शन बाई बुक बाई ग्रुप कुछ भी करो, लेकिन हमारा प्राइमरी टारगेट नॉलेज नहीं है, हमारा प्राइमरी टारगेट सिलेक्शन है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अन्य पढ़ाई में सिलेक्शन नहीं होगा, हमें टू द पॉइंट पढ़ना है,
हमें जो चीज समझ मिली है कि हम उसको पूरा दिन नहीं खपाएंगे, हम उससे पूरा दिन बर्बाद नहीं करके हम उसको याद कर लेंगे। जब मौका कभी मिलता है किसी सीनियर से बात करने का तो हम तब समझते हैं। कई स्टूडेंटों की हैबिट होगी एक क्वेश्चन किससे पूरा दिन परेशान है, और ये हैबिट एग्जाम में भी रहती कि वो एक क्वेश्चन जो नहीं बना उसको बार बार करने लगते हैं, क्या वो बना कैसे है, मतलब वो करेंगे अगला क्वेश्चन की दिमाग वही लगा देगा कि वो क्वेश्चन छोड़ दिया। और ये हैबिट जाती नहीं है लास्ट तक, इसको दूर करिए अभी से, क्योंकि सिलेक्शन कोई एक दिन की मेहनत थोड़ी ना है, पूरे साल की मेहनत। एक चीज डिपेंड करती कि आप कैसे सोचते हो, क्या करते हो। बाकी अगर एक कोई दिमाग से बदलाव हो, कई स्टूडेंट जो होते हैं उनसे कहते हैं कि सर मैं बहुत लो कॉलेज से हूँ, बहुत खराब स्तर रहा है, बैकग्राउंड से रहा ऐसा रहा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की। भैया कैसे मैं था, मैंने भी कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं करी, थर्ड ईयर था मतलब पढ़ाई नहीं कर, इस तरह से कहते हैं कि मुझे कहते थे तुमसे कुछ हो ही नहीं पाया। और फिर हम लोगों का ग्रुप बहुत अच्छा था, मैंने कोचिंग वगैरह नहीं करी थी हम लोगों ने, तो हमारे बैच के सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे थे। मैं अपनी बात बताऊं, चौथा जो आपका इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट आप चाहोगे तो रिवीजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो सिलेक्शन से दूर होते चले जाओगे, क्योंकि जितना बार तुम पढ़ते हो उतना बार तुम्हें हर बार कुछ ना कुछ क्लियरिटी और ज्यादा है। कितनी बार पढ़ोगे, मुझे आज भी जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो कभी ना कभी दो चार बार पढ़ने के बाद मुझे एक आध नई चीज दिखी जाती, या तो किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन से या कोई बुक में से। और ऐसा होता है कभी भी ऐसा होगा कि तुम अगर पढ़ोगे बार बार रिवाइज करोगे तो मैं नई चीजें हर बार क्लियर होंगे। रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि अगर तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे, एक टारगेट सेट करो कि जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो हर सब्जेक्ट कम से कम 10-10 बार रिवाइज हो जाए। यही तरीका होता है। मैं अपना अगर व्यू दूं तो मैं जब एग्जाम देने जाता था तो मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ भाई, किसी और की, मेरा एक सब्जेक्ट 22 बार मैं रिवाइज कर देता, 22 बार मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 9 रैंक आई गेट। ये इसमें सकता है ये मेरा पर्सनल व्यू था, लेकिन जरा वो जो मेरी वन नहीं है कि अब लोग जो वन लाते होंगे वो तो उड़ा देते होंगे कि हम, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बैकग्राउंड से, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अभी तक क्या किया। हर ग्राफ ये पड़ता है कि तुम आज के बाद क्या करने वाले, एक पॉजिटिव सोच रखो। कोई फर्क नहीं हम किसी कॉलेज से बिलोंग करें, जो मेहनत करेगा वही सिलेक्ट होगा। भैया दिल्ली में पूरे IIT के बच्चे बढ़े रहते हैं वीकेंड में, IIT के। अब आप इधर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मैं बता दूं सिलेक्शन का रेशियो उनका भी वही रहता है जो एवरेज बैच का रहता है, कोई खास फर्क है, क्योंकि जो मेहनत करेगा अब वही सिलेक्ट होगा। अब तो कंपनी से एग्जाम सबको फीस करना है, पहले क्या होता था कंपनी प्लेस कर ले जाती थी लोगों को, गवर्नमेंट कंपनी जाती थी, अब तो बंद हो गए। अब तो भैया खुला चैलेंज है कि एग्जाम निकालो और सिलेक्ट, तो एग्जाम सबको देना है और तैयारी सबको करनी होती है। और तैयारी एक दिन में नहीं होती भाई, एक पूरा स्ट्रेस है यार, एक दिन में महान नहीं बन जाओगे, इस बात को हमेशा रखो। लेकिन महान बनने के पहला कदम तो उठाओगे ना किसी ना किसी दिन, तो करना तो पड़ेगा। आपको अगर हाई तक पहुंचना है तो आप पूरी कोशिश करिए भाई। मैं आखिरी बात तो इसलिए कहूंगा यार, एक बार दस दिमाग में ठान लो कि हमें करना है। और हर दिन मैं तो कहता हूं तुम्हारे 5-6 घंटे पर डे फिक्स कर दो, लेकिन वो 5-6 घंटे सीरियस होने चाहिए यार, और इन स्टेप को फॉलो करो। हो सकता है मुझसे बेटर आपकी स्ट्रेटजी हो, मैंने वो बताई जो कमियां अंत में आपको खल जाती कि हमने ऐसा किया, मैंने वो पॉइंट बताई सारे स्टूडेंट को देख के। मैं बस इतना कहूंगा तुमसे कि भैया हर दिन तुम 5-6 घंटे फिक्स कर दो, इन चीजों पर ध्यान रखो, करेंट सब्जेक्ट को कभी मत भूलना। अगर तुम इतना मेहनत कर ले गए और एक सही सोच के साथ सही वे पढ़ाई कर लेगा तो भैया दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि चाहे तुम्हारा बैच अब स्टार्ट हुआ या एक महीने बाद स्टार्ट होता, सिलेक्शन तो उसी का होता है, ये जो पढ़ाई करता है कोई ताकत सिलेक्शन नहीं हो सकती ना। तुम इतना मेहनत हर दिन सीरियसली करो, ठीक है। हाँ वो सीरियस होना चाहिए, उसमें व्हाट्सअप फेसबुक ये सब दूर होना चाहिए। एक और बात मैं लास्ट में बोलूंगा भैया की, इस बात को हमेशा रखना, कई सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये सोच ही देते हैं कि अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें एक बार बता दूं, हिम्मत बताना भाई, लास्ट तक लगे रहना, आखिरी दिन तक लड़ना, जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन भी हार नहीं पाए। और तुम अगर ऐसे कोच के साथ पढ़ाई कर ले गए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन ना हो, क्योंकि सभी कभी ना कभी टूटते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता। तुम टूटना मत, घर बचाना सामान ले।
नहीं नहीं बहुत पर्सनल जो बता रहा हूँ मैं आपको, घर बचाना तभी आप हर तक लड़ना है, ये सोच होनी चाहिए एक लड़ाई है मालिक से, एक सिलेक्शन से, एक पूरी इंसल्ट से जो भी हमें हमारे रिश्तेदारों ने की, हर उससे हर एक बंदे ने जिसने हमारी काबिलियत से डाउट किया, हर उसकी बात पर जो हमसे भरोसा नहीं करता, हम सबसे लड़ाई एक तरह से और उसे जवाब देने का मेरे भाई कोई और तरीका नहीं है। एक ही तरीका है तुम्हारे सामने इंजीनियरिंग सर्विस 2017 और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ये इसको बना लो या एक आखिरी लड़ाई को हम पूरी जोरदार लड़ेंगे, सेलेक्ट होकर दिखाएंगे, ये सोच रहे। बाकी यार बाकी सबका भगवान है, सब आप अगर मेहनत करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो तुम जो डिजर्व करते हो वहां तक तो पहुंचो। बस ये भाई बातों का ध्यान रखिएगा, आप नंबर ले लो मेरा 9651120400, नाम है पद्मेश द्विवेदी, आप और पूछ सकते हो पावर प्लांट के, थर्मो के, स्ट्रॉम के, डिजाइन के, इतना ही बहुत है इसमें तो, बाकी और ये छोड़ो। चलिए मिलते हैं अगर मौका मिले तो डिजाइन भी पढ़ेंगे, तो वैसे शेड्यूल बहुत इसका अच्छा ही होने वाला है। चाहो क्यों रहते हो भाई, स्टार किस पे लगा लो, स्टार लगा लो, बहुत बड़े बंद कर लो। चलिए भाई जी अच्छे से मेहनत कर रही है, और कोई डाउट वगैरह हो तो आप।